और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद से जुड़ी हुई। यूपी में शामली के कांधला में मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम कोरोना के खतरे को देखते हुए पीपी किट में छापेमारी करने के लिए पहुंची है। निजामुद्दीन मरकज से कोरोना संक्रमण के मामले में मौलाना साद की तलाश है और मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। शामली के कांधला में मौलाना साद का यह फार्म हाउस जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, पीपी किट में छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची हुई है। क्राइम ब्रांच की यह टीम जो इस वक्त शामली के कांधला में है। प्रमोद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। प्रमोद, टीम वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन मौलाना साद क्या यहीं पर है, इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की एक टीम बाकायदा पीपीई किट लेकर शामली के कांधला में पहुंची है और छापेमारी उसके फार्म हाउस पे की है। लेकिन जो लोग वहां पे मिले हैं, कुछ लेबर थी और कुछ मौलाना साद के जानकार थे, उनसे पूछताछ की तो क्राइम ब्रांच की टीम को मौलाना साद वहां पे नहीं मिले हैं। और लोग उसे पूछताछ की कि वो कब आते हैं, कब कब आए हैं, तो इस बारे में जानकारी क्राइम ब्रांच की टीम जुटा रही है। और साथ में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बाकी जो सबूत जुटाने के लिए भी क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौजूद है। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को मौलाना साहब जो है फार्म हाउस पे नहीं मिले हैं। हालांकि मौलाना साहब ने, प्रमोद एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वहां पर पूछताछ के दौरान और वहां पर जब टीम पहुंची मौलाना साहब वहां पर नहीं है, इस बात की पुष्टि हो गई है? जी बिल्कुल, मौलाना साहब फार्म हाउस पे नहीं है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। वहाँ पे कुछ लेबर थी और जो बाकी जानकार थे, जो इस फार्म हाउस का रखरखाव केयरटेकर जिनको कह सकते हैं वो थे, उनसे पूछताछ कि वो काफी समय से इस फार्म हाउस पे नहीं आए हैं और उसके बाद काफी तलाशी लिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाने की कोशिश की है क्राइम ब्रांच की टीम ने, और उसके कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सहारनपुर में भी इनका घर बताया जाता है, बाकी और भी जगह है उनके जो वेयर हाउस है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है कि आखिर बार वो कब आए थे, इस बारे में जानकारी क्राइम ब्रांच की टीम ने ली है। और फिलहाल जो है मायूसी हाथ लगी है क्राइम ब्रांच की टीम को, क्योंकि मौलाना साद जो है वो अपने शामली स्थित जो कांधला है उस फार्म हाउस पे भी नहीं मिले हैं। और अब ये तलाश करेगी कि आखिर कहाँ पर वो हो सकते हैं और कहाँ पर, और जो सबूत है मरकज से जुड़े हुए, कहीं लैपटॉप या कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो जुटाना चाहती है, क्योंकि जब भी मौलाना साद से पूछताछ क्राइम ब्रांच की करेगी तो तमाम सबूत उनके पास होने चाहिए, क्योंकि 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर दिया है और इस फार्म हाउस में कई मरकज से निकले हुए जमाती तो आके नहीं ठहरे थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट के साथ जो है क्राइम ब्रांच की टीम गई थी, कहीं कोरोना संक्रमण जो है इस फार्म हाउस के अंदर भी ना हो, उससे ये लोग संक्रमित ना हो जाए, लोकल पुलिस को मैसेज कर रही थी। लेकिन बिल्कुल प्रमोद, तो फिलहाल तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम यहां पहुंची, उससे पहले जी न्यूज की टीम यहां पहुंची थी। आपको ये बता दें, जब से तबलीगी जमात का ये कार्यक्रम हुआ है निजामुद्दीन में, उसके बाद से जी न्यूज की टीम भी लगातार उन इलाकों में और उन ठिकानों तक पहुंची है जहां पर मौलाना साद हो सकता है, उसकी तलाश में जी न्यूज की टीम भी इन तमाम इलाकों में पहुंची, और अब भी क्राइम ब्रांच की टीम से पहले जी न्यूज की टीम भी वहां पर पहुंची। लेकिन फिलहाल जो जानकारी प्रमोद दे रहे हैं वो ये है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम यहां फार्म हाउस में पहुंची, शामली के कांधला के फार्म हाउस में पहुंची, वहां पर मौलाना साद नहीं था, उसके होने की कोई जानकारी यहां पर नहीं मिली है। कुछ सबूत जरूर वहां से जुटाए जा रहे हैं, मौलाना साद की तलाश अब भी जारी। एक छोटा सा नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।